गाइस तो आज अभी हम आए सीकू के सोलर प्लांट देखते हैं। कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं, अटैक ना करते भाई। ये जी सोलर प्लांट कितने सारे देखो। ये आए हम सीकू के एक सोलर प्लांट में, जो कि एक गांव के किसी बंदे ने पूरा ये प्लांट लगा रखा है, ऑब्वियसली फ्रॉम द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगाया हुआ है सोलर का, और ये पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आगे सप्लाई करते हैं, प्लस पोल्ट्री फार्म भी है। अभी देखते हैं आगे चल के पोल्ट्री फार्म में कि कितनी मुर्गियाँ और कौन कौन सी मुर्गियाँ हैं। क्या होता गया आप? फैसिलिटी शुरू से मिली है ना यहाँ पे, तो ये पोल्ट्री फार्म और ये पूरा लाइट का क्या सिस्टम है यहाँ जी? सीकू का पोल्ट्री फार्म भाई, कितने कुत्ते पाल रखे हैं। मशरूम हो गए तो जी। अभी चल रहे हैं हम लोग ऊपर, इन्होंने पूरा पोल्ट्री फार्म है, तो चलते हैं वहाँ पे मुर्गियाँ देख के आते हैं कौन कौन सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये जो जाल सा बना हुआ है इसकी वजह से प्रॉपरली दिख नहीं रही है, लेकिन अभी देखते हैं इसमें तो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं, आगे बच्चे खड़े हैं, देखते हैं उसमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता। दिख रही है वहाँ? बात कैसे मत करो। ओके, काफ़ी अंधेरा हो रहा है इसलिए क्लियरली नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कड़कनाथ मुर्गियाँ भी हैं। कड़कनाथ सुना होगा आपने, जिसका एक अंडा 20 रुपये का, कहीं जगह पे 80-80 रुपीज़ का मिलता है। वो अच्छा, काफ़ी बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 700-800 मुर्गियाँ हैं। चलो अभी चलते हैं वापस। मत कर बेटा ऐसे, इतनी सारी ना। लाओ मैं तोड़ा। लव यू। बड़े भाई से बनता है तेरे, क्या नाम है? परमिला। हां जी, बड़े भाई से बनता है जी। अच्छा, ये वाला पकड़ो आप, ये वाला खींचेंगे वाला खींचो ना आप। पूरी पलटन लगी है। चश्मे ये बेडू, ये लो बेडू के चक्कर में चश्मे। यही तो खींच खींच के हमने खा लिया सारा। पता नहीं इसने ले लिया ये इकुने। एक लो हाथ में, खा ले बेटा। अरे बेटा ये अंजीर होते ना अंजीर। अरे रुको, मैं फिर हाथ में बिजी है। छोटा भाई है अंजीर का, छोटा भाई है ये अंजीर। हां अंजीर का छोटा नहीं, पर मैं दे दे क्या बात। एक ही खाऊंगी मैं, ये ले जा दादी। मैं नहीं खाती, मैं दूध देती हूं उसको। हम आपको देते हैं, ले लो ना दूध। हां मेरी, ये ले दादी, ये दादी पैकिंग कर। बस बस अब मामी बोल, मामी है वो सब। सुनो ना सुनो, ले बेटा सब अच्छा होगा। हमने खाया है पहाड़।
है जी। आज सवेरे सवेरे हम आए हैं सीकू के शिव टेंपल और ये है जी पूरा शिव जी का प्रांगण, बहुत ही बढ़िया और अच्छा बनाया हुआ है। और बिल्कुल ही जो घर है भाभी का उनके बिल्कुल नीचे ही है, बहुत ही क्लोज, मतलब जब सीढ़ी जहाँ से उतरते हैं वहीं से मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट है। और जी ये बनाया हुआ है पूरा बढ़िया। ओके जी, फिर ये मंदिर के साइड से ही रास्ता जाता है पंदेरे को, यहाँ का पंदेरा है, एक बार पंदेरे भी चलते हैं। पंदेरा मतलब जहाँ पे नेचुरल वाटर आता है और फ्रिज से भी ठंडा होता है, मतलब फ्रिज वाटर से भी विद दी क्वालिटी। वैसे मंदिर के बैक साइड आएंगे आप और ये जी सीकू का पंदेरा लोग हैं। तो जी आज सीकू के नागराज मंदिर जा रहे हैं, ना जाना जी। चलिए आगे बढ़े। पहले वहां तक फिर वहां तक। चलो नागराज मंदिर चलो पहले, फिर देखते हैं। कौन सी है वो लास्ट वाली? हाँ। किसके बना हुआ है घर? किसी का घर बना हुआ है, सब बंद करे रहने लोग आए। ओ भाई साहब क्या नजारे हैं। तो उस बढ़िया से व्यू के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने ऐसे छोड़ रखे बना बना, ये घड़ियाल देखता है जी, वही सरकारी वो है जी। अरे आप ही क्या मंदिर है, वाह क्या, ये बहुत सही चीजें बनाई हुई है यहाँ पे, वो देखो वो बकरी चला रहा भाई उधर। बहुत सही, ये आ गए जी नाग देवता नागराज। पहुंचे नागराज मंदिर। और जी ये बाहर व्यू देखो नागराज मंदिर के बाद, बिल्कुल टॉप पे है देखो। फूल
शायद चारों तरफ से कौन मिल गया। For you.